क्या रे सरकार, क्या हमारे देश की शासन व्यवस्था टूट चुकी है? बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम चरमरा गई है, प्लान तरीके से तोड़ा गया। दूसरा एक ये लोग देशभक्त है, देख लो आयुषी घोष, बीजेपी आरएसएस बहुत ही बड़े देशभक्त है। और आज के समय पे हम लोग ये सब बहुत बड़े देशभक्त है कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, ये दो कौड़ी की औरतें, दो कौड़ी के मर्द हमें पाठ पढ़ाते हैं कि देशभक्ति क्या होता है और क्या होनी चाहिए। है उसको खराब करने की पूरी पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए भी कि आज देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस क्या कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। बेवकूफ औरत, दो कौड़ी की औरत, धर्म के आधार पे कंटिन्यूस उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए कि तुम्हें पता कि बहुत कुछ हो रहा है। नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ, फिर बनाओ, फिर बनाओ बाबरी। देख लो इस गद्दार को, देख लो इस गद्दार को, गवर्नमेंट सह रही है। का इसमें मेंशन किया गया था साकेत मूल साहब है हाशिमपुरा, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है। और ये एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू करने वाले गद्दारों आयुषी घोष साकेत मूल, इसका यही मतलब है, इसका यही मतलब है कि तुम राजनीति में आएगा गद्दार, कांग्रेस का दामन थामेगा। कन्हैया कुमार गया ना तुम्हारा बाप, मेरे सहयोगी अरविंद ओझा है। अरे दोस्तों आपने देख लिया, अरे मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करता, इनको मैं इतना सुधार देता कि इनकी दिमाग और इनकी बत्ती दोनों जल जाती और ये जय हिंद भारत माता की जाग करते और हिंदू मुसलमान की राजनीति करना भूल जाते। कि हिंदू मुसलमान से हमारा देश टूटता है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके हमारे देश को तोड़ा है और ये गद्दार भी फिर तोड़ने के लिए तैयार है। ये किस बात का डर है भाई, किस बात का डर है रे नरेंद्र मोदी? अरे भाई किस बात का डर है, देशभक्त है ना हम, देश के लिए हम सब कुछ करेंगे ना, अपने हित में नहीं करेंगे, हम तो शहीद होने को तैयार है देश के लिए, देश के इन बच्चों के लिए भी जो भटके हुए हैं। आप इतनी आज़ादी क्यों दे रहे हैं भाई, आज़ादी का मतलब है बर्बादी, देश को तहस नहस करना। मैं क्या हाथ जोड़ता हूँ, सलाम करता हूँ भाई, आज़ादी फाजादी मत दो, काम करने की आज़ादी, अच्छे काम करने की आज़ादी, महान बनने की आज़ादी, अब्दुल कलाम बनने की आज़ादी, प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान की आज़ादी, जितने भी आज़ादी है सब ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के नाम पर इस तरह की विवादों में पड़ना नहीं चाहिए और ये सबको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान है जो कि 10,000 वर्षों से ज़्यादा पुरानी सभ्यता संस्कृति है और इसको चाहो तो सारे सभ्यता संस्कृति में रहना है तो रह जाओ, अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो भाग जाओ जहाँ भी जाना चाहते हो। ये देश तुम्हारा है भाई, तुम खुद अपने देश को अपना देश नहीं समझ रहे हो, क्या बोलना भैया, सुधर जाओ ना तो सुधार देगा, आज ना कल कोई ना कोई महापुरुष पैदा लेगा भाई। और ये इलेक्शन फ्लेक्शन भी नहीं होगा, याद रख, इलेक्शन फ्लेक्शन से तुम्हारे जैसे दुष्ट लोग लोगों को भड़काएंगे। हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियाँ, माताएँ बहुत समझदार हैं, ये भटके हुए कन्हैया कुमार के औलाद ये चाहते हैं कि फिर से हम किसी पार्टी में ज्वाइन करके और देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे। सुधर जाइए, सुधर जाइए भाई, सुधार दिए जाएंगे, सुधार ना। या योगी आदित्यनाथ है ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो, मुर्दाबाद कौन होगा ये पता चल जाएगा। अगर लात के भूत बात से नहीं मानते तो याद रख गद्दारों, 20 लाख हिंदुस्तान की सेना है। कुछ गद्दारों ने कश्मीर में जघन्य हत्याएं करना शुरू करी, कहाँ गए वो? तुम तो दो कौड़ी के हो यार, दो कौड़ी के हो, सुधर जाओ।